हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रामनाथ और मेरे यूट्यूब चैनल में दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आप देख सकते हैं कि आज का वीडियो मैं आपको बताऊंगा कि लौंग खाने के 5 फायदे दोस्तों कौन कौन से हैं। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि यदि आप लौंग खाते हैं तो आपको यानी कौन कौन से फ़ायदा यानी कि होने वाले हैं। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो से शुरू करने से पहले आपको बता दूं, तो आपको वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को दोस्तों एक लाइक दोस्तों ज़रूर कीजिएगा, है ना। तो पहला फ़ायदा दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जब हमारे घर पे मेहमान वगैरह आते हैं तो हम उनको चाय पानी देते हैं, तो उसके बाद दोस्तों हम लौंग उनको ज़रूर देते हैं, ठीक है। तो लौंग दोस्तों हम रोज़ाना यूज करते हैं, या फिर अपन कोई भी सब्जी बनाते हैं तो मसाले में लौंग का उपयोग करते हैं। तो लौंग के दोस्तों 5 फायदे हैं। तो पहला फायदा दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूँ आज का। तो दोस्तों पहला फायदा यानी कि यह है कि लौंग खाने से गैस की समस्या है तो वो दूर होती है। तो दोस्तों गैस की समस्या क्यों होती है अपन को, जैसे कि आप यानी काम करने के लिए एक शहर से दूसरे शहर यानी कि जा रहे हैं, तो इस समय पे क्या होता है कि आप भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में यानी कि आप एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हैं, तो ऐसे में क्या होता है कि आप मार्केट में गए, आप समोसे खा रहे हैं, आलू बंडा खा रहे हैं ना, तो उससे क्या होता है यानी कि जो खाना है अपन को घर का खाना चाहिए और टाइम पे खाना चाहिए, तो खाना टाइम पर नहीं मिलता है, जिससे अपन को यानी कि गैस की समस्या यानी कि होने लगती है। तो गैस की समस्या को दूर करने के लिए अपन को लौंग यानी कि एक महत्वपूर्ण लौंग यानी कि होता है, तो इससे दोस्तों गैस की समस्या दूर होती है। अब दोस्तों कैसे अपन को गैस की समस्या दूर होगी, तो मैं आपको बता दूं, जब आप यानी कि सुबह उठते हैं तो आप एक काम कीजिए, सुबह उठने के बाद आप पानी गरम कर लीजिए और उसको थोड़ा कुनकुना यानी कि रहने दीजिए, और आप यानी कि 1 गिलास पानी पी लीजिए। आप जब घूमने जाते हैं मॉर्निंग यानी सुबह के टाइम, तो आप कुनकुना पानी यानी कि 1 गिलास पी लीजिए, और उसके बाद दोस्तों आप अपने मुंह में यानी कि लौंग दबा लीजिए, 1 या 2 लौंग, और आराम से दोस्तों आप धीरे धीरे खाइए, तो आपको गैस की समस्या दूर होगी। नहीं तो दोस्तों आप जो गर्म पानी करते हैं उसमें आप 3-4 लौंग डाल दीजिए, ठीक है, तो वह यानी कि लौंग है जो पानी के साथ मिल जाएगी और आप उस पानी को पी लीजिए। ये 2 तरीके आप आजमा सकते हैं। नहीं तो आप गर्म पानी पीजिए, है ना, कुनकुना पानी पीजिए, और उसके बाद आप जो लौंग है अपने मुंह में यानी कि दबा लीजिए, तो आपको गैस की समस्या यानी कि जो होगी तो वह यानी कि दूर होगी। तो ये आपको कम से कम 1 महीने तक यानी कि आपको कोशिश करना है यानी कि आप सुबह को कुनकुना पानी पिए और उसके बाद थोड़ा 1-2 लौंग खाएं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको गैस की समस्या दूर होगी। तो इसका दोस्तों पहला फ़ायदा यह है। अब दोस्तों आप दूसरा फायदा दोस्तों इसका यह है कि आप देख सकते हैं, तो अभी सर्दी का मौसम चल रहा है, तो सर्दी के मौसम में क्या होता है कि अपन को सर्दी भी हो जाती है, जुकाम हो गया, उसके साथ अपन को खांसी भी चलने लगी, या फिर गले में खराश हो जाती है, गला दर्द दे रहा है, तो इसमें दोस्तों लौंग यानी कि बहुत ही फायदेमंद है। आपको सर्दी खांसी गले में दर्द है तो यह खाने से वह दूर हो जाता है, ठीक है। तो अपन को कैसे खाना पड़ेगा कि अपन का जो सर्दी वगैरह है वो दूर हो जाएगा, तो इसको क्या करना है आपको, आप यानी कि इसको गर्म पानी के साथ उबाल लें और वह पानी पी लें, ठीक है। नहीं तो आप दोस्तों इसको खाएं ना, तो आप 1-2 लौंग यानी अपने मुंह में लगें और रखने के बाद धीरे धीरे खाएं। यदि आप लौंग यानी कि आप एकदम से पूरा खा लेंगे तो उसका प्रॉफिट आपको नहीं हो पाएगा, इसलिए अपन को लौंग खाना है तो आराम से यानी कि दांत के डाढ़ के अंदर रख लीजिए, तो धीरे चबा चबा के यानी कि इसको आराम से खाइए, ठीक है। इससे क्या होता है कि जो लौंग में जो भी तत्व होते हैं वो हमारे गले के यानी कि आसपास यानी कि चिपक जाएंगे, जिससे हमारे गले में जो दर्द है वह यानी कि राहत मिलेगी, और हमारे गले का दर्द सर्दी वगैरह जुकाम होगी तो वो आसानी से ठीक हो जाएगी। तो दूसरा दोस्तों फायदा इसका यह है, ठीक है। अब दोस्तों
तीसरा इसका फायदा बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका तीसरा फायदा दोस्तों यह है कि जब यानी कि आप के मुंह से यानी कि दुर्गंध आती है, ठीक है, तो वह दूर करने के लिए दोस्तों लौंग बहुत ही ज़रूरी है। अब दोस्तों अपने मुंह से दुर्गंध क्यों आती है, इसका दोस्तों एक कारण तो पारिया होता है, ठीक है, पारिया एक बीमारी होती है जिसका यानी कि आपको मुंह से यानी कि दुर्गंध आने लगती है। और दूसरी समस्या दोस्तों यह होती है कि अपन लोग खाना नहीं खाते हैं, अपना यानी कि खाना नहीं खाते तो अपन भूखे हैं, अपना जो पेट है वो खाली है, ठीक है, तो इसके बाद से दोस्तों आपके जो मुंह में है वो बदबू यानी कि आना चालू हो जाती है। तो उस समय दोस्तों यदि आप लौंग का इस्तेमाल करें, लौंग खाएं, तो आपका जो बदबू है मुंह से आती है तो वह दोस्तों ठीक हो जाएगी। तो तीसरा इसका सबसे बड़ा तरीका यह है, ठीक है। तो अब अपन को कैसे खाना है लौंग, मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ कि आपको जो लौंग खाना है वह आपको खाली पेट ही खाना है, तभी यानी कि आपको यानी कि जो भी समस्या है वह दूर होगी। इसका दोस्तों मैं आपको एक एग्जाम्पल बताना चाह रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। जैसे अपन बहुत से लोग हैं ड्रिंक करते हैं, ओके, तो ड्रिंक करने से क्या होता है, यदि वो खाली पेट यानी कि दारू पीते हैं, ड्रिंक करते हैं, तो उनको जल्दी लग जाती है। यदि वो जिन जो लोग यानी खाना पीना खाया है, ठीक है, उसके बाद ड्रिंक करते हैं तो उनको कम लगती है। तो खाली पेट यानी कोई भी चीज़ खाओ तो वो जल्दी असर करती है, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ जब भी आप लौंग का यानी कि यूज करें तो आप खाली ही पेट करें तो आपको ये जल्दी असर करेगी, ठीक है। अब इसमें आपको चौथा यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण बताता हूँ कि चौथा इसका फ़ायदा कौन सा है। चौथा फायदा दोस्तों इसका यह है कि जब आपके चेहरे पे यानी कि दाग वगैरह धब्बे वगैरह आ जाते हैं, और दोस्तों आते ही हैं हमारे चेहरे पे यानी कि दाग धब्बे आ जाते हैं, क्योंकि अभी ठंडी का समय चल रहा है तो हमारे चेहरे पे यानी कि झुर्रियाँ वगैरह भी आ जाती हैं, ठीक है, तो उसे दूर करने के लिए दोस्तों अपन को लौंग की ज़रूरत पड़ती है। इसमें दोस्तों आपको क्या करना पड़ता है कि लौंग का दोस्तों आप एक पाउडर यानी कि बना लीजिए, मतलब इनको मिक्सी में यानी कि पीस लीजिए तो इनका पाउडर बन जाएगा, ठीक है, और उसे दोस्तों बेसन के साथ मिला के आप अपने चेहरे पर लगाइए। इससे दोस्तों यह फ़ायदा होगा कि आपका जो चेहरे का स्किन है वो काफ़ी मुलायम हो जाएगा और आप काफ़ी यानी कि साफ भी हो जाएगा। तो यह दोस्तों बहुत ही अच्छा तरीका है अपने चेहरे को साफ करने का, ठीक है। और दोस्तों इसका पांचवा दोस्तों फ़ायदा मैं आपको बताता हूँ, ये भी आप घरेलू है, ठीक है, ये भी सभी को समस्या आता है कि हमारे जो बाल हैं वो झड़ते हैं। अब जो हमारे बाल झड़ते हैं, क्यों झड़ते हैं, तो वह जो बाल है अपने जो विटामिन कमी रहता है तो उसके कारण अपने जो बाल हैं वो झड़ते हैं, तो उसे रोकने के लिए लौंग यानी कि बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो इसको क्या करना है, आपको गर्म पानी करना है, उसमें आपको 5-6 लौंग आप डाल दीजिए, है ना, और अच्छा पानी को गर्म कर लीजिए और वह पानी से आप अपने बाल धो लीजिए, ठीक है। तो इससे दोस्तों यह होगा कि आपका जो बाल झड़ते हैं वो कम हो जाएंगे। अब मैं ऐसा तो नहीं कहूँगा कि आपके बाल झड़ रहे तो बंद हो जाएंगे, पर दोस्तों कम हो जाएंगे, है ना। बाल यानी कि झड़ते हैं जब आप नहाते हैं, साबुन लगाते हैं, तो आप देखते हैं कि यार मेरे बाल यानी कि यहाँ पे आ गए झड़ रहे हैं बहुत ज़्यादा ना। तो इस समय पे आप गर्म पानी में यानी कि लौंग वगैरह डाल दीजिए और उस पानी से यानी कि आप अपना बाल धो लीजिए, तो इससे क्या होगा, आपके बाल जो हैं उसमें चमक भी आ जाएगी, झड़ना कम हो जाएगा और उसमें बालों में मजबूती आएगी, ठीक है। अब ये जो हमने बताए हैं आपको 5 तरीके, ये आपको कम से कम 1 से 3 महीने तक करने हैं। यदि आप 1-2 दिन करेंगे तो इससे आपको फ़ायदा नहीं हो पाएगा, इसलिए हमको इसको लगातार करने पड़ेंगे, ठीक है। और जब भी आप दोस्तों लौंग खाएं यानी कि सुबह टाइम, तो खाली ही पेट खाएं और कुनकुना पानी पहले पिएं और उसके बाद दोस्तों आपको लौंग खाना है, और एकदम से आपको लौंग नहीं खाना, धीरे धीरे आपको यानी कि चबा के खाना है, तभी दोस्तों आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, है ना,
वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, है ना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब मैं आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करता हूँ, जब तक के लिए नमस्कार।